और एक ही दबा नहीं है वहाँ उनका फटक बंद कर ले, वो भी घुस आई दिक्कत कर देगा। देखा साथ में गधा भी उधर देखा यार सिंह का, वो दिखाइए देखिए देख रहे हैं। अब इसके बिना गधा इसके बिना बेचैन है। अभी तक उनकी ड्रेसिंग हुई देख, उनसे छुट्टी मिल गई, इतना गधे का इसका प्रेम है। ऐसे जमाने में जितने साधु संत कोई गधा गांव से मिला दे तो जानी नहीं, नहीं साधु संत ज्ञानी ध्यानी बड़े बड़े नेता बड़े बड़े जादूगर कुछ भी हो, जरा इसको दोनों को प्रेम करा दे तो हम जाने। लेकिन बहुत कमीना और बहुत अंधा हमारी सोच है, लोगों की बहुत अंधा समाज है ये, कि कार्य का मूल्यांकन करो और जातवाद धर्मवाद में नफरत पैदा करने वालों चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाकर के, समझ गए। भगवान और खुदा की बात करते हो, इंसान और इसकी आए, इंसान इंसान का दुश्मन है। अरे पहले तुम इंसान हो बाद में कुछ हो। देखिए कुत्ता आया, कुत्ते को गधे ने भगाया तो इसको गिरा दिया। देख रहे अभी हमको जाना है बंदर भोज करने के लिए। हाँ इनका इधर बैठा, हाँ ये हाँ हाँ ये बात 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 ठीक। हाँ ऐसा ऐसे खुल दे, देखा देखा बिल्कुल कूक रहा है, परेशान है वो। देखाओ सिंह साहब उधर भी देखाओ कि इसको गिराया गया है कि रो रहा है तड़प रहा है। ये देखो गधे को, ये देखो कुत्ते को भगा रहा है। ये देखिए देखिए इसकी बेचैनी, ये सब दृश्य है। और कुछ बोलिए इसको देख करके, अगर पढ़े लिखे हैं तो हम कहाँ तक बोलेंगे, पढ़े लिखे हैं तो बोलो अपने वक्तव्य देव, खाली कमरे के भीतर नहीं बोलना चाहिए, कैमरे के आगे बोलो, ललकारो झटकारो समाज को, फलाने धमाके ये वो कुछ नहीं। देख रहे हैं लोग जातवाद धर्मवाद की बात करते हैं, इसको गिराया गया मलहम पट्टी के लिए, गधा बेताब। अरे बेताब इसलिए है, अब चाहे मर जाए लेकिन ये नहीं कि घर से निकल आके वही का भगा दिया, ना ना ना। अरे एक कोई डंडा फेंक मारो वही का। वो बेताब इसलिए है कि क्या हो रहा है, क्यों ये सुनो अंदर की तरफ भाव है, नहीं है, है? कीड़े मरे होंगे क्यों, इनको ऐसे यों, 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 उधर उधर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। हाँ वही तो, एक है ले आओ इधर, ए हाँ ए ये हाँ बस, अब इनका पूंछ दे दीजिए, ये देखिए खाओ, अब खुला है कपड़ा खाओ, मक्खी हटाओ, ये पूंछ हाँ पानी चाहिए नहीं ले। अब देख तो रहे हो, बछिया लाओ इनका, लाओ उनका, लाओ उनका, देखो ऐसा करो भैया ये हम इनका पकड़े बैठे हैं और तुम पानी हुआ से ले लो जा करके, ये टंकी है बगल में, या इनका ये अगर ये ऐसे लेटी रहे तो हम पानी ले आए, जहाँ इनका ढीला कर बैठा हाँ उड़ जाइए। हाँ हाँ बस इनका पकड़े रहो, काफ़ी बड़ा घाव है गाँव, दूसरे ड्रेसिंग नहीं तो कराना ही पड़ेगा भाई। अब हमका भाई बंद रहा कुछ नहीं रहा, जो पानी आए बाबा बगले में, इधर देखो सिंह साहब हर तरफ भाग रहे हैं आ रहे हैं पानी ला रहे हैं, देखो दुर्दशा देखो मेरी, बुखार से उठे हैं ये सब दुर्दशा देखो, इधर हाथ लगाए हाँ लगाए, दिखाओ समाज को बोलना सीखिए, ललकारो तो हम जाने की पढ़े लिखे हो कि आप जो देख रहे हैं आपकी इसके ऊपर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, और करीब से बनाओ इसको हमारी सब बड़े हैं ना, कभी है जिंदगी जालूल बना ली का हो, यही शरत रहा कोई जिंदा है नहीं, जिंदा नहीं, ये शरत रहा नहीं भाई नहीं, ये कल कल ही तो इसकी पहली ड्रेसिंग हुई है, श्री राम दो तीन चीला निकाले लो बुटाक भर दे तो कहें ना भाई ये कहीं जो एक अंदर हुई है वो मर गई है,
विश्व में सेवा का ऐसा अद्भुत कार्य आज तक न देखने को मिला है न कभी आगे मिलेगा। देख रहे नहीं बुखार की हालत में अब ये बंदर भोज आप करेंगे हमारे साथ चल के, उसमें भी हम बनाएंगे आपका एक कार्य। देखो कार्यों का मूल्यांकन करो अंधो, ये आप जो बना रहे हैं। देखिए गधा इधर बेताब है, ये इनके दोस्त, इनको क्यों गिराया गया जमीन? हाँ ये इसीलिए ये बेताब हैं कि ऐसा क्यों इनके साथ। आपकी हम चिमटी भी ढूंढ के रख लेंगे, नहीं कम से कम हफ्तों का छुट्टी हो गया ना। अच्छा हिम्मत भी रखा हुआ है तो सूखने के लिए। हाँ करीब दिखाइए, ये राम किशोर हैं वेटनरी हॉस्पिटल के, रिटायर कब हो गई थी? नवंबर में, अक्टूबर में, अक्टूबर में दो तीन महीने के बाद ये रिटायर होंगे। ऐसे महात्मा धर्मात्मा आदमी ऐसे काम करने वालों के लिए, अरबपति खरबपति लोगों को, धर्मात्मा लोगों की मदद करनी चाहिए कि इसको कहीं एक कमरे की जगह दे दें यहाँ पर, कहीं पर ये यहाँ रहेगा शहर में, ऐसे ही जानवरों का इलाज ये जा के करेगा। ये अकेले के बस का नहीं, ये लोग अभ्यस्त हैं, ये अकेले के बस का है। देखिए कान भी पकड़े हैं, पूंछ भी पकड़े हैं। कैमरा से इसलिए बनता है, इसलिए कैमरा से बनाया जा रहा है कि लोग देखो सीखो समझो और सोचो। आज भी भंडारा होने जा रहा है डिग्री कॉलेज चौराहे पर, तारीख आज की क्या है? एक अगस्त। इसके पहले जो सांड था, एक सांड आया उसके पैर में 2 कीले घुसे। हाँ याद चाहिए आपको, 2 कीले घुसे। ऐ वह पट्टी उट्टी उधर भी रखी है क्या? हाँ 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 हाँ। ए भैया चले जाओ, हिम्मत वहाँ से ले लो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उधर बढ़ो, हिम्मत तो भाई आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ो, अंदर की तरफ जाओ गैया घर की तरफ। हाँ 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 आगे, हाँ हाँ उधर से नहीं इधर से, हाँ इधर से जाओ आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे सीधे जाओ गैया घर। हाँ और दीवारे पर सामने मुहारे पर मिल जाए बिजली के बोर्ड के बगल में, है ना, ये बगल में जहाँ बिजली के बोर्ड है, ये बस कीड़े खत्म हो गए। ये सुनो बलराम किशोर, इसने जरा सा हल्का सा अगल बगल बुटाक्ष लगा तो कर देंगे। हाँ बुटाक्ष अगल बगल लग जाने से, अच्छा ये बुटाक्ष से मक्खियाँ नहीं मरती हैं क्या? चाट के मर जाए ऐसा नहीं है? रुई थोड़ा सा बुटाक्ष मिला करके हो जाए, जल्दी जल्दी इनका जख्म भरे। अभी काम आगे के लिए आसान हो गया, ये सहज रूप में मिल जाते हैं। श्री राम है भाई, ओ बहुत से जगहों पर उनका आना जाना, इंजेक्शन लगाना है देन उनका आना। अच्छा पहले दिन होता है तो हमने बुलाया, हमने कहा भाई दिखा में मामला क्या है, तो कल बहुत छोटा सा सुराख हमको दिखाया। हाँ बहुत जरा सा। अच्छा खाली बुटाक से लगा देने से, देखिए हिमेक्स बुटाक्स ये सारी दवाइयाँ रखे रहे, औजार उजार सब रखे हैं। क्यों? इनको बाजार जाना था, बेचारे झोला लेकर के ये जा रहे थे, हमने कहा बस हमारे साथ तुम बाजार चलोगे। इनको सिंह साहब वही नेहरू नगर चौराहे पर इनको हम लोग उतार देंगे और आगे हम चल के बंदर खिला देंगे। इस पूरी इस सीन को डीके सिंह रोहबंसी बना रहे हैं, एक बहुत लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं। आए दिन हमारी आवाज, हमको बुखार था, हमको पसीने निकल रहे हैं, इस समय काफ़ी कमजोरी थी, तो हमने कहा सिंह साहब बंदर को आइए, 2 साइकिल से चल के खिलाते हैं। बेचारे स्कूटर लेके आए, आमदनी कम है इनकी, लेकिन हमने कहा भैया नहीं पैसे की बचत करो थोड़ी भाई, क्योंकि एक सब आप चिल्लाते भी हैं कि हम परेशान हैं, एक सब आप
भाई लक्ष्मी की कदर करोगे लक्ष्मी आपकी कदर करेगा। ये सीन होना चाहिए अखबारों में, देव टीवी पर देव, लोगों को नसीहत मिले। आज भी डिग्री कॉलेज में टेंट लगा हुआ है, भंडारा हो रहा है, हो रहा है भंडारा है, ये भंडारा होता है, है? मनुष्यों को आप खाना दे रहे हैं, जिनके घर में खाना है, जिनका पेट भरा हुआ है, उनको आप खाना देते हैं। और शंकर वाहन नंदी सवेरे सवेरे देखिए प्रभु की माया, 5 बजे मेरे यहाँ नंदी आ गया, हम बुखार की हालत में कि हम, अरे बिल्कुल कमजोरी में, हम कैसे निकाले की है? हाँ पट्टी आउट है, पट्टी इसी तरह मिलाया करो। हाँ ऐसे ही रखें। सोमवार का दिन है, ये पट्टी जो है हाँ वो इतने इतना हवा नहीं पास होगी ना, ठीक आज उसे टेम्परेरी बांध दो हल्का सा। तो ये बताओ राम के सोट, इसकी ड्रेसिंग परसों करोगे कि कल करोगे? परसों ये देखिए, देखिए गधा किस तरह सिसक रहा है, रो रहा है, ये मेरे यहाँ ठीक हो चुका है, अब इनके दोस्ती वो घर नहीं छोड़ रहे हैं। सोचिए आप, ये सब कैमरा में देखने के बाद बड़े लिखे बड़े बड़े लोगों क्या ज्ञान होगा, श्याम साधु के चरणों में जाके अपना मस्तक रगड़ दो। श्याम साधु नहीं कहता हमको नोट लागे दो चंदा, मैं चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े आपके संत महंत हैं उनसे हमारा मुकाबला करवाऊं, अगर मैं उनसे आगे निकल जाऊं तो मेरे चरणों में मस्तक रख देना, मेरी मदद करना, उठा दो हो गया, ऐसे कामों में मेरी मदद करना। रुई मलहम पट्टी अभी आएंगे, इनको कम से कम चाय पानी के लिए मरे से मरा 10 रुपया तो देना ही पड़ेगा, मरे से मरा। काम तो बहुत का है, आपस के पुराने लोग हैं, इधर देखाइए बंदर के लिए कोई केला रख गया है, ये राधे चांदवानी की यहाँ से रोज चना आता है, राधे बाबू चांदवानी सुखो बाबू की खानदानी है, नित्य चना भेजते हैं, सुखो बाबू का कंटिन्यू चलता है भवरेश्वर में, और यहाँ रोटी रोज भेजते हैं, राधे बाबू की यहाँ से चना आता है रोज। सिंध समाज जो केवल झूलेलाल को जानता था वो आज ये बड़े बड़े काम कर रहा है। एक लाली मास्टर है सोनकर, फल विक्रेता लाली मास्टर, से ये सब रखा है। हाँ वहीं वहीं रख दो, चिमटी भी है जी जी, वहीं चिमटी उमटी सब रख दीजिए। अब इसको हम इनको ले करके इसको जल्दी से भरेंगे, भर करके डीके सिंह रघुवंशी के साथ अब रवाना होंगे। बछिया को मैं बाहर कर दूं, जरा इधर भी बना दीजिए आप। चलो भैया देव तुम्हारे मित्र आ गए बाहर, देखा सिंह साहब कितना मांस निकला, कितने कीड़े निकले, इधर दिखाइए सर कितनी गंदगी निकली है, तब आइए इतना सड़ा हुआ मांस सब के मरे हुए कीड़े निकले, आइए। हाँ आइए पहले इसको हम बंद कर ले, देखिए दोनों अंदर जा रहे हैं, दोनों अंदर गए, वहीं जाके दरवाजा उठा, ये इनके दोस्ती का प्रतीक। अब आप वहाँ अंदर चलिए अपने ये अपने बाड़े में पहुँच गए, बाड़े का गेट